गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं लिब्रा के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। लिब्रा ये जो रीडिंग है 2022 अप्रैल की रीडिंग है। 2022 अप्रैल मंथ में क्या कुछ होने वाला है लिब्रा की एनर्जीज में, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लिब्रा आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज क्या आ रही है और क्या होगा अप्रैल मंथ में, एक दूसरे के साथ क्या एनर्जीज होगी आपकी। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन का। डियर गाइस, इस चैनल पर आपको बहुत सारी रीडिंग्स देखने को मिलेंगी, डेली रीडिंग्स आपको मिलेंगी, करंट फीलिंग्स मिलेंगी, थर्ड पर्सन की एनर्जीज मिलेगी, आपके पर्सन के साथ आपकी क्या एनर्जीज है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। वीकली और मंथली टैरो कार्ड रीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी रीडिंग आपसे मिस ना हो जाए। इस चीज का ध्यान रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे टैरो कार्ड रीडिंग का। सो देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि 2022 आपके लिए क्या लेकर आया है। 2022 में आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, उसके बाद लिब्रा आपका करियर देखेंगे, करियर में क्या कुछ होने वाला है लिब्रा के लिए, क्या एनर्जीज है इस चीज को चेक करेंगे। सो लिब्रा ये जो रीडिंग्स है, ये जो कार्ड्स है लिब्रा मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। ऊपर के 3 कार्ड्स लिब्रा आपके लिए हैं और आई होप सो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। एंड जो नीचे के 3 कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी। ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल लिब्रा, आपका पार्टनर की एनर्जी तो बड़ी अच्छी अच्छी सी आ रही है, लव वापस आ रहा है आपका, ऐसा लग रहा है मेरे को एनर्जीज को देखकर। तो देखिए क्या हो रहा है आपकी एनर्जीज में, चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो तुला राशि, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अभी की जो एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशनशिप की, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशन में और साइलेंस है एनर्जीज, है ना, किसी और की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ी हैं आपके रिलेशन में। एंड मेंटली स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर। बहुत ज़्यादा परेशान भी हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो। यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जीज आ रही, इमोशनली फीलिंग्स मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक या बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, ओवर थिंकिंग करते हो, 24 आवर्स जो है ना आपके माइंड में आपका पर्सन की जो है वो आता रहता है, ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी हद तक भावुक है, जैसे इमोशनली फीलिंग्स आ रही हैं और बैलेंस बनने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा से लौट आओ ताकि आपका और उनका जो फ्यूचर है वो साथ में हो। अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी अभी तक तो वो मेरे को यहाँ पर लिब्रा बाय करती हुई दिखाई दे रही है, जाती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशन पर, ठीक है। सो अभी एनर्जीज को ज़रा चेक करेंगे, डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब 2022 में होगा क्या क्या, इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं लिब्रा, अगर आप न्यू बिगनिंग के लिए इस रेटिंग को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ न्यू बिगनिंग में कोई ड्रीम, ऐसी बिगनिंग जो आपके ड्रीम्स में थी, कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी ड्रीम्स में था, आप चाहते थे कि वो पर्सन, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, वो आपका पर्सन, वो पार्टनर लिब्रा आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अप्रैल 2022 में। काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैरिज को लेकर, अगर आप बहुत सोचते हैं कि मैरिज स्पाउस हमारा कैसा होगा या मैरिज कमिटमेंट आपके पार्टनर ने दिया है तो वो फिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे मैरिज को, या मैरिज से कमिटमेंट देंगे कि नहीं, अगर ऐसी एनर्जीज है डियर गाइस आपकी, तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अप्रैल मंथ आपकी मैरिज को प्रॉपर तरीके से तो कमिटमेंट मिल जाएगा आपको, या फिर अप्रैल मंथ में आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर कह रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में दूरियाँ थी आपके, ठीक है लिब्रा, और दूरियों में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज आ चुके थे, साइलेंस एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको टेंस कर रही थी। आप सोच रहे थे कि भाई किसी तरीके से डिस्टेंस खत्म हो जाए ताकि दोबारा से रिलेशन ग्रो हो, दोबारा से रिलेशन में न्यू बिगनिंग आए, दोबारा से एक दूसरे को आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, ऐसी फीलिंग्स रखें एक दूसरे को, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को बातें करें, है ना,
जो पहले वाले नाजीज में, मतलब जो पास्ट में आपने जो जिया है, जो लव, जो खुशियां, जो हैप्पी, आप चाहते हो कि वो अब वापस लौट आए, है ना? ऐसी नजीज आपकी आ रही है। तो 2022 में मैं देख रही हूँ कि खूबसूरत नजीज है आपके पार्टनर की, कोई आपका पार्टनर, आपका एक्स मेरे को वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ न्यू बिगनिंग मेरे को आपकी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स आपका या फिर कोई एक ऐसा पार्टनर जो आपके साथ तो पहले था, लेकिन अब सडनली ऐसी चीजें हो गई कि आपके और उसके बीच में दूरियां आ गई, तो यहाँ पर मेरे को वो आपकी जिंदगी में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ, आपका पर्सन आपसे लव चाहता है, मोहब्बत चाहता है, प्यार चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके और आपके दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन थे, यहाँ पर अगर फैमिली है आपको, तो कहीं ना कहीं फैमिली, जो फैमिली अगेंस्ट थी वो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा आपको। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही कि फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का साथ आपको मिल सकता है। फैमिली, अगर फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो चीज़ें आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही। खूबसूरत सी एनर्जीज मेरे पास है आपके रिलेशनशिप की। दूसरी, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी लिब्रा, कि आपका पार्टनर जो है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके बारे में बहुत सोच रहा है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं उसको एहसास हो रहा है कि आपके बिना उसका गुजारा नहीं चल पाएगा। मींस कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी कमी महसूस करना, अपने आप को अकेला पाना, 24 आवर्स आपके बारे में सोचना, लेकिन फिर भी हिम्मत रखा हुआ है आपका पार्टनर, उसके अंदर एक करेज मेरे को दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2022 में मेरे को दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता है वो कांटेक्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ही फिजिकली आपसे मिलने आ जाए कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मिलने चला जाए। ऐसी भी एनर्जीज मेरे को आ रही है, या फिर आपको मिलने के लिए बुला सकता है, ऐसा भी एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के साथ आपका घूमने का कोई प्रोग्राम बन सकता है कि भाई बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, बात नहीं की, तो हो सकता है कि कोई कॉफ़ी पर चले जाओ या एक दूसरे से, दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर लिवर आ रही है, एक अच्छी सी एनर्जीज आ रही है। मैरिज पार्टनर अगर आपका है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि साइलेंट एनर्जीज मोड को अब हटने में टाइम नहीं है, अब साइलेंस मोड आपका साइड होगा और ओपन एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बैलेंस बनता हुआ आपके लव में, आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में मेरे को दिख रही है। जो एनर्जीज आपकी स्टक थी, रुकी हुई थी, वो एनर्जीज यहाँ पर मेरे को खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है लिब्रा, कि अगर उनकी तरफ से कोई आर्ग्यू थी या उनकी तरफ से कोई दूरी थी या कुछ भी ऐसा था, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अब समझेंगे, वो समझेंगे कि कितनी वैल्यू है आपकी उनके लिए, उनकी आपके लिए। दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा, अप्रैल 2022 आपको बहुत कुछ देखे जाएगा। मैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, आप अपने लव, अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में लव चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियाँ बहुत ज़्यादा आपके बीच में आ गई हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत चाहते हो, उसकी फीलिंग्स बहुत चाहते हो अपने लिए, कि वो आपके लव दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो वो दूरियाँ मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जो एनर्जीज आप चाहते हो, चाहे आपका न्यू बिगनिंग हो, मैरिड हो, एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बैलेंसिंग एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो लिब्रा, करियर में क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। करियर एनर्जीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी रीडिंग लेनी है तो आप उसके लिए ऑनली मैसेज किया करें, प्लीज़ कॉल ना किया करें। तो करियर में क्या है देख लेते हैं। सो करियर में एनर्जीज के अकॉर्डिंग लिब्रा, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, सक्सेस है इस टाइम पर, तो सक्सेस मिलने वाली है, यानी कि अप्रैल में आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सक्सेस का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, वो इस चीज़ को बता रहा है प्रेजेंट को, कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आप अपनी जॉब को लेकर एक टेंस एनर्जीज में हो, एक परेशान एनर्जीज आ रही है। जॉब चाहते हो, एक अच्छी जॉब चाहते हो, नहीं मिल पा रही है, और बहुत दिनों से, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। तो जो एनर्जीज आपकी क्लोज थी, मतलब आपकी जॉब की या बिजनेस की या फिर प्रमोशन की या फिर फाइनेंस की, जो एनर्जीज ब्लॉक थी, आप जिनसे आप चाहते हो कि मतलब वो एनर्जीज ओपन हो, तो आप आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो, सक्सेस पाओ, है ना? तो स्टक एनर्जीज ओपन हो रही हैं, क्योंकि एनर्जीज क्या होता है ना, कि जब स्टक हो जाती हैं या रुक जाती हैं, तो वहाँ पर फ्लो होना बंद हो जाता है। अब जब वहाँ फ्लो होना बंद हो जाता है, तो एनर्जीज स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो वो एनर्जीज ओपन हो रही है। ये ओपन एनर्जीज ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारे पॉजिटिव रहने से, या फिर सोच अच्छी बनाने से, या फिर वर्क करने से, कर्मा पर बिलीव करने से, ठीक है?
तो जो रुकी हुई एनर्जीज थी साइकिल्स चेंज हो रहे हैं, ओपन हो रही है एनर्जीज। और दूसरी चीज यहाँ पर सक्सेस एंड ग्रोथ है, आप खुद देख रहे हैं करियर में आपके लिब्रा सक्सेस और ग्रोथ की एनर्जीज है, मीन्स करियर बहुत अच्छा होने वाला है, कोई जॉब का ऑफर आ सकता है, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, और फाइनेंस की कंडीशन सुधर सकती है, पहले से अच्छी हो सकती है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, ऐसी एनर्जीज भी आ रही है, मतलब करियर को लेकर एक अच्छी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ जरूर बताइएगा लिब्रा, एंड टेक केयर।